शहनाज साहब को भी बुला लीजिए, वो घर पे ही हैं, खाना खा लें आके। बेगम साहब, छोटे साहब की तो तबीयत खराब है। बुखार है? मुझे मैं कमरे में पानी रखने के लिए गई थी तो छोटे साहब को बुखार था। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया हमें? माफी चाहते हैं जी। सरदार साहब को फोन करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। साद बेटा, क्या हुआ है आपको? बेटा आपको तो इतना तेज बुखार हुआ है, आपने बताया भी नहीं हमें। परेशान हो जाती है, मैंने सोचा क्या बताऊं। दवा खाइए कोई। अच्छा, हम आपको ये गोली देते हैं। हम आपके लिए यखनी भेजते हैं। कितनी अच्छी हैं आप अम्मी जान, फिर भी चाचा जान ने शादी कर ली। काश मैं अम्मी जान को बता पाता कि चाचा जान ने क्या किया, कि वफादारियों को पसे पुश डालकर नया आसमान तमस्खीर कर लिया। क्या पता अम्मी जान मेरी बात को सच ना समझती, नहीं तो चाचा जान पर बहुत एतबार है, मगर क्या करूं। वो मैंने सोचा अब ऑफिस चली जाऊंगी तो मेरा ध्यान भी बढ़ जाएगा और आपको घर चलाने में। महा, अरे भैया तुमको हॉर्न की आवाज नहीं सुनाई दे रही है? क्या हो क्या, हॉर्न बज रहा है, मुझे तो नहीं सुनाई दिया। पता नहीं अपने कान कहाँ रख के बैठती है, ये कोई आवाज ही नहीं सुनाई देती है इसको। मैं अपना काम थोड़ा सा और बढ़ा लूंगी तो तुम दोनों। अरे पापा, पापा आपने बताया नहीं आने का, बस तुम लोगों को सरप्राइज देना चाह रहा। चले अंदर हैं। हाँ बाबा आप अंदर जाइए, मैं सामान ले आता हूँ। सिर्फ दो ही दो बैग्स हैं। सिर्फ दो बैग्स लेकर आया? अरे बेटा तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ है, कार्गो करवाया है, दो चार दिन में पहुँच जाएगा। आओ। क्या क्या सामान लाया? जो लिस्ट में तुमने लिखा था। लिस्ट? बाबा मैंने आपको इतना मिस किया। आई मिस यू टू बेटा। इसने आपको लिस्ट भेजी थी और आपने मुझे बताया भी नहीं। अरे भाई ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है, सारा जहेज महा का है ना, जो ये मंगवाएगी तो मैं दूंगा ना अपनी बेटी को। इतना लाड ठीक नहीं है जफर, बेटियां तो सारी जिंदगी कुछ ना कुछ लेती ही रहती हैं। छोड़ इन बातों को, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि अनवर मुझे लेने के लिए आया। शुक्र है कोई तो काम किया इन्होंने। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि इसको अपने पास बुला लो, सारा दिन आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता है। अम्मी क्या हो गया, अभी तो बाबा आए, शुरू हो गई आप? मैं इसका इंतजाम करके आया हूँ, तुम फिक्र मत करो। क्या वाकई, ये तो बहुत खुशी की बात है। और तुम यहाँ क्या बैठी बातें सुन रही हो, जाओ अपने बाबा के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ। मुझे कुछ नहीं खाना पीना, थोड़ा रेस्ट करूंगा। ओह अनवर तुम आओ बेटा, तुमसे जरूरी बात करनी। बाबा रात में क्या बनाऊं आपके लिए? कुछ भी बना ले बेटा, कुछ भी बना ले, आओ। जी मामा। बेटा फ्री हो? हाँ। मुझे कुछ काम है तुमसे। बताए। समझ नहीं आ रही बात कहाँ से शुरू करूँ। क्यों? कल तुम्हारी खाला आई थी ना, वो कह रही थी कि। क्या कह रही थी? हसन के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है उन्होंने। हसन का प्रपोजल?
हाँ बेटा, पर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उनको क्या जवाब दूँ। आपने उनको कोई तो जवाब दिया होगा। हाँ, मैंने कहा था उन्हें कि मैं तुम्हारे अबू से बात करके फिर उन्हें बताऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं पहले तुमसे बात करूँ। मामा, आप मुझसे ना पूछें, वैसे मुझे आपका हर फैसला कबूल है। खुश रहो, बस मैं थोड़ी परेशान हो गई हूँ कि वो स्कैंडल वाली बात कहीं सच ना हो। मैमूना तो कह रही थी कि सब झूठ है, लेकिन अपने बच्चे को कौन गलत कहते हैं। तुम्हारी कोई बात हुई हसन से? मैंने नहीं पूछा, मगर वो खुद ही कह रहा था कि वो बात गलत है और वो कसमें खा रहा था। अच्छा, तो फिर हाँ कह दूं? मामा, वो आप और पापा डिसाइड करें, मुझे वैसे मास्टर्स करना। मगर हसन तो शोबिज छोड़ रहा है। क्यों? मैमुना बता रही थी कि वो जल्द से जल्द अपना काम कंप्लीट कर रहा है ताकि फिर लंदन वाला ऑफिस संभाल ले। मैमुना चाहती है कि वो शादी करके लंदन जाए। तुम्हारे पास दो चार माह हैं तो आराम से सोचो, ठीक है? मामा, आप मेरे लिए सोचें, मुझे वैसे आपके हर फैसले पे एतबार है। जीती रहो।